हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ललित गौतम एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। हम कर रहे हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि वेक्टर्स। ओके, ये कोई चैप्टर नहीं है बट अपने आप में हम इसको एक सीरीज एक चैप्टर की तरह कर रहे हैं। इन आर लास्ट लेक्चर वी डिड लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें पता है कि वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका अलग होता है स्केलर्स की, अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ के कंपेरिजन में देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उन्हें हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें स्पेशली लॉज पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया। सो अगर आपको ये दोनों लॉज पता हैं, इनके रिलेटेड जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको पता हैं, तो फिर हम आज के लेक्चर में क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन देखे थे, आई एम जस्ट रिवाइजिंग देम। अगर हमें दो वेक्टर्स पता है, दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू, ऑल राइट, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा आर, और रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, आप चाहे तो ट्राइंगल लॉ को यूज़ करो या फिर पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करो, आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, जो हमारे गिवन वेक्टर्स हैं उनके बीच में हम एंगल मान लेते हैं अल्फा, तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, राइट। कुछ भी इसको आप नाम दे सकते हैं, अगर ए और बी आपने बोला है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस अल्फा, राइट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। इसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर आर हमारे इस वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है। लेट से दिस एंगल इज बीटा, अगर वो एंगल बीटा है सो टैन बीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, अगर हम क्या करेंगे दिस क्यू साइन अल्फा बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ऑल राइट। सो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हैं, ये फॉर्मूला कैसे आते हैं, हमने ट्राइंगल लॉ से करें या फिर पैरेललोग्राम लॉ से करें, दोनों ही फॉर्मूलाज डिराइव हो जाते हैं, रिजल्ट बिल्कुल हमें सेम मिलता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर हैं तो हम आज के इस लेक्चर में करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आप हर एक प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, खुद क्वेश्चंस को ट्राई करें इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, हम देखेंगे हम इन्हीं को यूज़ करके आज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ऑल राइट। बाद में आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन वेक्टर एडिशन एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम एंड ए सी वैक्टर और बी डी वैक्टर उसके डायगनल्स हैं, तो हमें प्रूव करना है। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं है कि हमें एक आंसर निकालना है, प्रूव करना है यहाँ पर, जैसे एन सी आर टी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, सी बी एस ई में, तो उस तरह का कुछ क्वेश्चन है। अब पैरेललोग्राम हमें गिवन है, दिस इज ए बी सी एंड डी। ओके, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी वैक्टर, अब ए सी वेक्टर का मीनिंग क्या है, ए से सी की हम डायरेक्शन में एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ओके, ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और बी से लेकर डी इस डायरेक्शन में हम एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, ऑल राइट। सो दिस इज वेक्टर बी डी जो कि उसके डायगनल्स हैं। हमें प्रूव क्या करना है, अब प्रूव देखिए क्या करना है, ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर दोनों का जो सम है वो हमें किसके इक्वल प्रूव करना है, टू टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर क्या है, जैसे कि ये जो साइड है बी सी, ये है बी सी वैक्टर, बी से लेकर सी की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन हम बी से सी ये बना देंगे, ऑल राइट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को ही देखते हैं, हम इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। हमें करना क्या है, हमें दोनों डायगनल वैक्टर्स को एड करना है। अब जो डायगनल वैक्टर ए सी है, क्या मैं उसे लिख सकता हूं, वैक्टर ए सी को मैं क्या ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर का सम लिख सकता हूं, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं। आई कैन राइट ए सी वैक्टर, जो वेक्टर ए सी है, ट्राइंगल लॉ को याद करिए, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, अगर हम दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड बना देते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्राइंगल की थर्ड साइड, राइट। तो जो ए सी वैक्टर है वो रिजल्टेंट है ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर का, ऐसा हम लिख सकते हैं बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ओके, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में देखते हैं, ऑल राइट, ट्राइंगल बी डी सी या फिर बी सी डी आप कुछ भी कह लीजिए,
ट्राइंगल बी सी डी, इस ट्राइंगल में मुझे पता है कि दिस वेक्टर इज बी डी वेक्टर, ये वेक्टर क्या है बी डी, जो कि मुझे चाहिए, दोनों दोनों ही डायगनल वेक्टर्स मुझे चाहिए, दोनों का सम। पहले हमने ए सी वेक्टर को लिखा यानी कि ये वाला वेक्टर, फिर हमने देखा बी डी वेक्टर जो दूसरा डायगनल वेक्टर है। अब ये डायगनल किसका बन रहा है, अब ये डायगनल तो इस पैरेललोग्राम का है, लेकिन अगर हम इस साइड को देखें तो ये इस ट्राइंगल की थर्ड साइड बन रही है। ओके, इस ट्राइंगल में दो वेक्टर्स बन सकते हैं, एक वेक्टर होगा बी सी वेक्टर, दूसरा होगा सी डी वेक्टर। चलिए इसे हम कैसे लिखेंगे, दिस इज बी डी और ये जो वेक्टर है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा। रिजल्टेंट किसका, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ऑल राइट, आई होप आपको क्लियर है, दोनों में ही हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज किया है। अब आप ध्यान से देखिए, दिस वॉज ए बी वेक्टर, ए से बी की डायरेक्शन में, और ये अगर मैं सेम लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना चाहिए डी सी वेक्टर, राइट, ये क्या होना चाहिए डी से सी इसी डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर है सी डी वेक्टर, तो सी डी वेक्टर क्या हो गया, उसके ऑपोजिट हो गया। मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, सो आई कैन राइट इट एज कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर, है ना, क्योंकि ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, सी डी वेक्टर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑल राइट, सो आई कैन राइट ए बी वेक्टर एज माइनस सी डी वेक्टर, या फिर मैं सी डी को लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ ए बी, एक ही बात है वो तो, है ना। तो सी डी वेक्टर को मैं लिख लूंगा यहाँ पर इसी इक्वेशन में, चेंज कर देते हैं, क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए बी, तो माइनस ए बी वेक्टर मैंने ऐसा लिख दिया। ऑल राइट, अब दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट में दिखाई दे रहा है कि दोनों डायगनल्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो आप ऐड करिए, दिस इज ए सी वेक्टर प्लस दिस इज बी डी वेक्टर, दोनों का सम, लेफ्ट हैंड साइड तो हमें मिल गई जो हमें चाहिए, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड, जब हम इसे ऐड करेंगे तो ए बी वेक्टर से ए बी वेक्टर कैंसिल, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ऑब्वियसली बी सी और बी सी दो बार आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, एंड सी वी फाइनली डिराइव्ड दिस फर्स्ट पार्ट। ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था, हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करना था। ओके, एक बार हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी और दूसरी बार हमने ट्राइंगल लिया बी सी डी, ठीक है, तो यहीं से हमारी बात बन गई, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए हमें क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये इक्वेशंस मैं दोबारा से लिखूंगा नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल राइट, सो फर्स्ट इज ए सी वैक्टर, पहली इक्वेशन में ए सी वैक्टर को लिखा गया था, वो क्या है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ओके, दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हमने लिखा था बी डी वैक्टर को, बी डी वैक्टर वो क्या है, वो बी सी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, राइट, ये था, आप वेरीफाई कर सकते हैं दिस, अभी इन्हीं दो इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, ए सी वैक्टर क्या है, ये जो रिजल्टेंट है वो ए बी और बी सी का रिजल्टेंट है, जो बी डी वैक्टर है यानी कि ये वैक्टर वो किसका रिजल्टेंट है, बी सी और सी डी वैक्टर का, सी डी वैक्टर क्या है, नेगेटिव है ए बी का, तो वही हमने यूज किया। आई होप आपको क्लियर है यहां तक का पार्ट, क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया ही था। अब हम इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, सेकेंड पार्ट को हमें देखते ही पता चल रहा है सब्ट्रैक्ट करना, तो यहां पर भी माइनस लगाएंगे और यहां पर भी हम माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये नेगेटिव किसका हो गया, बीसी का, और ये नेगेटिव क्या, साथ में हम दोबारा से नेगेटिव लगाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ सी ये पार्ट क्या हो जाएगा, लिखिए ए सी वैक्टर नेगेटिव साइन आ जाएगा बी डी वैक्टर के साथ, ठीक है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, अब ये नेगेटिव साइन आएगा इसके साथ में यानी कि माइनस बी सी वैक्टर, और ये पॉजिटिव साइन आएगा इसके साथ में, साइन चेंज हो गया, राइट, सो इट विल बिकम ए बी वैक्टर। ऑल राइट, बी सी वैक्टर में से बी सी वैक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम और ये बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए बी वैक्टर। ऑल राइट, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने डिराइव कर लिया दोनों पार्ट्स, ठीक है, बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कब और कहाँ पर ये ट्राइंगल लॉ को यूज़ करना है। इससे हमने कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, हमने रिजल्टेंट का जो हमने फॉर्म, अब हमें पता है कि हमने रिजल्टेंट
का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, उसका एंगल कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, बट जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में वो यूज हो। यहाँ पर सिंपली आपको समझ होनी चाहिए कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब दो वेक्टर्स ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ट्राइंगल की दो साइड बनकर, तो थर्ड साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या हो जाती है, रिजल्टेंट हो जाती है। बस ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें अगर पता था तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें हमने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का कोई फॉर्मूला या फिर एंगल का कोई फॉर्मूला यूज हमने नहीं किया, राइट? तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट होगी 12 मीटर की टूवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ऑल राइट, तो तीन डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमें दी गई है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, हम कैसे करेंगे इसे, एंड यू कैन मैच योर आंसर। नाउ दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ये होता है वेस्ट। ऑल राइट, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, यहां से लेकर यहां तक 12 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, ये फर्स्ट है। फिर वो 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है टूवर्ड्स नॉर्थ, अब नॉर्थ डायरेक्शन ये है तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक और डायरेक्शन की जरूरत है, यहां पर सिर्फ हमारा 2D प्लेन से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये दो डिस्प्लेसमेंट्स तो हो गई, उसके बाद में देखिए क्या कहा गया, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। तो अब वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पहले ऐसे गया फिर यहां गया, अब वर्टिकली अपवर्ड मतलब वो बोर्ड से बाहर, इस प्लेन से बाहर मूव कर रहा है, ये जो 6 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। अब हम इसे कैसे शो कर सकते हैं, इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक थर्ड डायमेंशन का हमें कंसिडर करना जरूरी है। ये होगी बोर्ड से बाहर वाली डायरेक्शन, ये हो जाएगी बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड बोला गया है, सो आई विल ड्रॉ अ डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है 12 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 6 मीटर्स की। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। ऑल राइट, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड देन थर्ड वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन या फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन भी समझ सकते हैं। तो फाइनली दिस पार्टिकल या फिर वो जो बॉडी है वो देखिए इस बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के ऊपर नहीं है। बोर्ड के ऊपर तो अगर 12 मीटर और 5 मीटर सिर्फ इतना होता तो वो बोर्ड के ऊपर थी, लेकिन अब वो यहां से 6 मीटर बाहर आ चुकी है अपवर्ड। ओके, 6 मीटर वो बाहर यहां पर है कहीं, तो ओरिजिन से उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ और होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमें साफ साफ बोला गया है कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, रिजल्टेंट जो बनेगा उसका क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, जो 6 वाला पार्ट है कि इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले हमें 12 और 5 मीटर को ही सॉल्व करना होगा। तो जो स्टार्टिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है 12 और 5, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ओके, आई एम चूजिंग डिफरेंट कलर, ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ओके, दिस इज 12 मीटर, दिस इज 5 मीटर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, रिजल्टेंट होगा इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में और थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, सही बात है। अच्छा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 12 मीटर, दूसरी है 5 मीटर्स, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री का, है ना। मैं इस वेक्टर को क्या करूंगा, स्लाइड कर दूंगा इसके पैरेलल और यहां ले आऊंगा, जब ये टेल से टेल मिल जाएंगी तब हमें एंगल देखना है, एंगल 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री पर हमें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं आर डैश। ओके, इस रिजल्टेंट को हम आर डैश बोल देते हैं, तो आर डैश कितना होगा, स्क्वेयर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 169। ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, 13। सो ये हमारा आ गया आर डैश।
ऑल राइट, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर डैश, जो कि कितना है, अब इतना है। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें निकाल लिया, तो अब इन दोनों वेक्टर्स की हमें ज़रूरत है क्या? अब इन दोनों वेक्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इनका रिजल्टेंट ऑलरेडी हमें पता है, तो अब इसके इन दोनों वेक्टर्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ चुका है। अब सिचुएशन ये है कि वो पार्टिकल 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि वो वेक्टर कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओके, वर्टिकली अपवर्ड, ओके। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। आई नो, ठीक है, ये सिचुएशन है, दिस वॉज ईस्ट डायरेक्शन, दिस वॉज नॉर्थ डायरेक्शन, और ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर मुझे पहले से पता है रिजल्टेंट, जो 13 मीटर्स अभी आया हमारा, मैं वो स्टार्टिंग वाले वेक्टर्स ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि उनका रिजल्टेंट मुझे पता चल चुका है, सो आई डोंट नीड दोज वेक्टर्स। अब मुझे पता है कि ये 13 मीटर है, ओके, और जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है वो 6 मीटर्स इस तरह से मूव किया है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब वो ड्रॉ तो मुझे बोर्ड पर ही करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में आप जानते हैं कि वो कुछ इस तरह से है। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है? देखिए, जो 13 मीटर वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस बोर्ड के प्लेन में ही है, और जो 6 मीटर वाली डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच में अल्फा 90 डिग्री है दोबारा से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कैलकुलेट करना काफ़ी ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ओरिजिन से हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फाइनल पोजिशन को मैच कर देंगे, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये एंगल देखने में आपको कुछ भी लग रहा हो, बट एंगल ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। और ये होगी हाइपोटन्यूज, ये साइड अब डायग्राम बनाने में कुछ ऐसा है कि वो छोटी नज़र आ रही है, लेकिन हाइपोटन्यूज सबसे बड़ी होती है, राइट, क्योंकि उसे हम दिखाना मुश्किल है। 6 मीटर्स ये अपवर्ड बाहर की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो कुछ 6 मीटर यहाँ होगा, और ओरिजिन से जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये हाइपोटन्यूज बनने वाली है। ऑल राइट, तो दिस इज हाइपोटन्यूज, तो वो क्या होगी? इस रिजल्टेंट को हम आर बोल देंगे क्योंकि फाइनली हमारा रिजल्टेंट यही है जो हमें चाहिए। सो दिस आर विल बी इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ व्हाट? 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, करेक्ट है। 13 का स्क्वायर अभी अभी हमने किया 169 होता है, और 6 का स्क्वायर हो जाता है 36। दिस इज आर, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 6 5 एंड 1 करिए 7 प्लस 3 10 प्लस 0 एंड 1 205 एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर, ओके। तो जो रिजल्टेंट आर है उसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए था, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 205, ये हमें सॉल्व करना होगा और यही हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है। हो सकता है आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लिया हो, बट आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर ऑप्शंस हैं तो हमें देखना पड़ेगा आंसर मैच करना, अदरवाइज दिस इज कंप्लीट, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑल राइट, ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर टुडे। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या बोला गया है? दो वेक्टर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मैं मान लेता हूं कि ये वेक्टर क्या है, ए, और एक दूसरा वेक्टर भी है ए, ठीक है, और इनके बीच में कुछ एंगल होगा अल्फा, आई डोंट नो व्हाट इज द एंगल, बट कुछ एंगल होगा अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहां पर हम क्या ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और जो रिजल्टेंट है वो भी मैग्नीट्यूड क्या है, ए। तो ऐसे सिचुएशन पॉसिबल भी है क्या? ये वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड भी ए, और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी ए, सेम मैग्नीट्यूड है तीनों वेक्टर्स का, तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब यही क्वेश्चन है कि किस एंगल पर ऐसा होगा, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के इक्वल आ जाए, ऐसा किस एंगल पर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, हम अभी सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होता है आर, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। अब यहां पर जो दूसरा वेक्टर है बी,
वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वो भी मैग्नीट्यूड में सेम है, तो मैं रिजल्टेंट को भी लिख देता हूँ ए, जो पहले से ए लिखा गया वो तो है ही, बी को भी हम क्या डालेंगे ए, तो ए का स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई होगा ए से तो क्या बन जाएगा 2a² और cos अल्फा, ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर, हमें तो cos अल्फा जानना है, cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, यहां पर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इधर स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमने यहां पर भी स्क्वायरिंग कर दी और राइट साइड में भी हमने स्क्वायरिंग की, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अब हमें सिर्फ अंदर जो लिखा गया वही लिखना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा 2a² करेक्ट है, प्लस 2a² प्लस, देखिए अगेन यहां पर 2a² है और फिर क्या आ जाएगा cos अल्फा, ठीक है, सो दिस इज 2a², दिस इज ए स्क्वायर, यहां पर 2a² के साथ में cos अल्फा आ रहा है, सो आई शुड टेक 2a² कॉमन, यहां से मैं 2a² कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा 1, पहली टर्म तो एज इट इज कॉमन आ गई बाहर 1 प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है, ये वाला 2a² भी हम कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा 1 प्लस cos अल्फा, करेक्ट है, और यहां पर क्या है ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और ये 2 वहां नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फा, तो cos अल्फा क्या होगा 1/2 - 1, ये 1 हमें माइनस में ले जाना पड़ेगा, राइट, तो cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी -1/2, और cos अल्फा की वैल्यू -1/2 कब होती है, when अल्फा इज इक्वल टू 60 पर तो हाफ होती है, सो when अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, 60 का जब डबल होता है 120 डिग्री, तब ऐसा होगा, ओके, कि cos अल्फा की वैल्यू -1/2 है। अब हम इसे इमेजिन करते हैं, ठीक है, ये मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ वेक्टर ए, और मुझे 120 डिग्री पर दूसरा वेक्टर बनाना चाहिए जो इक्वल ही मैग्नीट्यूड का हो, लेट्स से दिस इज अनदर वेक्टर, ओके, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट, और इनका रिजल्टेंट हो जाएगा ये, सो देखिए इस सिचुएशन में ये पॉसिबल है, दिस वॉज वैक्टर ए, ये भी वैक्टर ए, लेकिन कितने एंगल पर, 120 डिग्री पर, ओके, ये एंगल कितना 120 डिग्री, और जो इनका रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, एंड रिजल्टेंट इज ऑल्सो ए, ओके, तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि जब दो इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो रिजल्टेंट ना तो इसकी तरफ होगा ना उसकी तरफ, दोनों के बीच में होगा, राइट, सो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री, रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है दोनों वेक्टर्स के साथ में, चाहे इसके साथ में देखो या फिर इसके साथ में देखो, सो रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है, ओके, एंड क्या बोल सकते हैं हम, सो दिस इज इट, इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि दो वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं और वो 120 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आ जाता है, इक्वल भी आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार हम डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं, आप इसको वैसे भी नोट कर सकते हो कि वेन टू इक्वल वैक्टर्स आर गिवन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, जब आपको दो इक्वल वैक्टर्स दिए हों 120 डिग्री पर तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी उसी वेक्टर के इक्वल होगा, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट केस है, एक स्पेशल केस है, ठीक है, हम इसे यूज कर सकते हैं, कई बार डायरेक्टली भी इसे यूज किया जा सकता है, बट यहां पर ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, आप वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कर सकते हैं एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन कंप्लीट, बाद में आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। सो टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, ओके, गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, ओके, सो दो फोर्सेस हमें गिवन है, लेट्स से F1/F2, और जो ये रेशियो है वो क्या है 3:5, ये हमें गिवन है, गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 35 न्यूटन, अब F1 और F2 से जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो 35 न्यूटन है, इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, तो हमें ये बोला गया है कि F1, ठीक है, F2 और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री,
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बी 60 डिग्री बोला गया है, तो एंगल कितना मान लेंगे 60 डिग्री। अब F1 और F2 से क्या बनेगा, हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं और बनेगा हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को हम क्या लिखेंगे, F। रिजल्टेंट को हम लिखेंगे F। रिप्रेजेंटेशन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, P, Q, A, B या फिर F1, F2 हमने यहां पर यूज कर लिया, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल राइट, सो नाउ आई कैन राइट फ्रॉम दिस रेशो। अब ये देखिए F1 by F2 अगर 3 by 5 के इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 is equal to F2 multiply होगा 3 upon 5। F1 को मैं 3 by 5 times of F2 ऐसा लिख सकता हूँ। ओके ठीक है, नाउ F जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या होगा, F1 और F2 की टर्म्स में हम कैलकुलेट करेंगे। ये एंगल क्या होता है अल्फा दोनों के बीच में, वो भी हमें गिवन है 60 डिग्री। ऑल राइट, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एफ वन का स्क्वेयर प्लस एफ टू का स्क्वेयर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस अल्फा। एग्री, फॉर्मूला यही है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। ऑल राइट ओके, अब रिजल्टेंट जो फोर्स है वो हमें गिवन है 35 न्यूटन, तो ये चीज हमें पता है। लेफ्ट हैंड साइड वी ऑलरेडी नो दिस इज 35। ओके, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए क्या है, एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर। अब हमें नहीं पता है एफ वन और एफ टू कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि एफ वन 3/5 टाइम्स है एफ टू का, तो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 3/5 टाइम्स ऑफ एफ टू, तो स्क्वायर होने पर क्या बन जाएगा 9/25। 3/5 का स्क्वायर 9/25, किसका स्क्वायर हो जाएगा F2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या है F2 का स्क्वायर है प्लस, अब देखिए 2 एज इट इज, F1 को हम क्या लिख रहे हैं 3/5 टाइम्स ऑफ F2, तो जहाँ पर भी F1 मुझे दिखाई देगा आई विल राइट 3/5 टाइम्स ऑफ F2, और एक F2 और है तो ये क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, क्योंकि F1 को हमने लिखा 3/5 टाइम्स ऑफ F2 और एक F2 पहले से है तो F2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें चाहिए कॉस अल्फा, और अल्फा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 पर होता है हाफ। ठीक है, सो आई विल यूज दिस वैल्यू, हाफ कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हाफ, 2 से 2 कैंसिल। अब जो स्क्वायर रूट के अंदर बचा ये F2 स्क्वायर, F2 स्क्वायर और F2 स्क्वायर, सब कुछ F2 स्क्वायर में ही है, फिर सही है, अब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, देखिए 9/25 प्लस ये क्या है 1, अभी हम F2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 3/5। ऑल राइट, तो हमने तीनों ही टर्म्स में से F2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ F2 स्क्वायर। अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, LCM क्या आ जाएगा 25 एज इट इज, ठीक है 25 और 5 25 एलसीएम हो जाएगा 9 प्लस 25 क्योंकि यहाँ पर 1 था, 5 ज़ा 25 तो ये बनेगा 15। ऑल राइट, 25 और 15 क्या हो गया 40, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49। ओके तो ये रेशो क्या बनेगी 49/25। क्लियर है, ये हमने इसको सॉल्व किया है 49/25 आ गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, ये मैंने सॉल्व किया तो 49/25 है, और ये वाला पार्ट पहले से ही F2 का स्क्वायर है, और लेफ्ट हैंड साइड हमें ऑलरेडी पता है 35 है। ओके तो अब क्या रह गया 35, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 49/25 F2 स्क्वायर। अब आपको पता लग ही गया होगा देखकर कि 49 किसका स्क्वायर रूट, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, ये होता है 5 का, तो ये क्या बन जाएगा 7/5 F2 बाहर, स्क्वायर रूट से हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड इज 35, राइट हैंड साइड में क्या बचा 7/5 टाइम्स ऑफ F2, स्क्वायर रूट से हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए 7/5 35 हो गया, और 5 वहां चला जाएगा तो F2 कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। ऑल राइट, तो अभी हमें एक फोर्स पता लग गया F2 कितना है 25 न्यूटन है, तो हमें पता है कि F1 is equal to 3/5 times of F2, ये हमने यूज भी किया है अभी, है ना, तो F1
is 3 by 5 times of F2, alright? तो लिख देते हैं 3 by 5, F2 की वैल्यू डाल देते हैं 25, this is F1, तो 5 से ये कैंसिल, 3 5s are 15, okay. So my answer for first force is 15 Newton and जो second force आया है वो 25 Newton आ गया है. Let's see, question यही था. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स. हमें दोनों फोर्सेस का क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो हमें पता लग गया. ओके, सो सिचुएशन यही थी कि ये था 15 न्यूटन, 15 न्यूटन था F1 और 25 न्यूटन था F2 और दोनों के बीच में एंगल था 60 डिग्री. ओके, तो करेक्ट पिक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी. रिजल्टेंट होगा हमारा ये जो कि 35 के इक्वल है. दिस इज 15 एंड दिस इज 25. ऑलराइट, ओके, सो दिस क्वेश्चन इज डन. आपके आंसर्स आने चाहिए 15 और 25. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फाइव द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन. अब हमें देखो पिछले क्वेश्चन में रेशियो दी गई थी दोनों फोर्सेस की, यहां पर सम दिया गया है. मैं क्या कह सकता हूं कि F1 प्लस F2 दोनों का जो सम है ये मैग्नीट्यूड ही है. मैंने वेक्टर के साथ नहीं लिखा, मतलब मैग्नीट्यूड है. ठीक है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वो एक्ट कर रहे हैं, सम जो है वो 18 न्यूटन के इक्वल है. ठीक है, सम इज 18 न्यूटन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, ओके, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो है 12 न्यूटन. तो रिजल्टेंट को मैं मान लेता हूं F. दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 और F2, ठीक है, किसी भी एंगल पर, मुझे नहीं पता कितना एंगल है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो मैंने मान लिया F. कितना दिया गया है, 12 न्यूटन. ओके, ऑलराइट, इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. अब जो रिजल्टेंट F है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस. अब हमें ये तो नहीं पता कि दोनों में से स्मॉलर फोर्स कौन सा है, ठीक है, बट हमने F1 और F2 इस तरह से माना है. ओके, दिस इज F1, लेट्स से दिस इज F2. ओके, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, एंड मुझे थोड़ा सा इसे करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या बोला गया, रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल. तो मुझे पहले रिजल्टेंट बनाना चाहिए, ये होगा F. ये रिजल्टेंट पहले ही बना लो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे इसके साथ में, तो मुझे ये क्या चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि ये डायगनल बने इस पैरेललोग्राम की. तो मैं इस वेक्टर को क्या कह सकता हूं, F2. आपको समझ में आया, दिस इज F1, दिस इज F2 और दोनों का जो रिजल्टेंट है F, दिस इज F, वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री का छोटे वाले फोर्स के साथ में विद स्मॉलर फोर्स. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, फोर्स जो रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन का हमें दिया हुआ है. ओके, अब F1 और F2 का हमें सम पता है 18 न्यूटन के इक्वल है. ऑलराइट, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है ये ऑब्वियसली 90 डिग्री से ज्यादा होगा, कुछ भी हम इसको मान लेते हैं अल्फा. ऑलराइट, दिस एंगल इज अल्फा और जो ये 90 डिग्री एंगल है ये एंगल क्या है, बीटा, जो रिजल्टेंट बना रहा है इस वेक्टर के साथ में. ठीक है, सो दिस एंगल इज बीटा और ये हमें पहले से पता है कि 90 डिग्री है. सो वी नो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है टैन बीटा का, आप फॉर्मूला याद करिए, आपको याद होगा वो होता है F2, देखिए जो सेकेंड फोर्स है उसके साथ में F2 साइन अल्फा अपॉन में F1 जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है प्लस सेकेंड वेक्टर F2 के साथ में लग जाता है कॉस अल्फा. ऑलराइट, अब टेन बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री और टेंजेंट 90 डिग्री पर कितना होता है